ऊपर बैठने का कारण सामाजिक व्यवस्था को लेकर है, जो ये मार पिटाई का मुकदमा जो है परसों दायर हुआ। आतिशबाजी ना चलाएं, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल काफी हाई है और दिए से दिवाली मनाएं, भाईचारे से दिए से दिवाली। दीपों के पावन पर्व दीपावली पर शहर की सुंदरता को संवारने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सोहना एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने जहां एक तरफ नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक करके कस्बे में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने व स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के लिए निर्देश दिए हैं, वहीं सोहना एसीपी के साथ भी बैठक की, जिसको इस त्योहारी सीजन के दौरान किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना न घट सके इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की कमान सौंपी है। लेकिन एसडीएम साहब द्वारा की गई बैठक और दिए गए आदेशों पर कोई अमल होता नहीं दिख रहा। अब इसे निचले अधिकारियों के साथ दीपावली को लेकर एक औपचारिक बैठक कहा जाए या फिर माना जाए कि निचले अधिकारी एसडीएम के आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं, और अगर एसडीएम के आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है तो फिर एसडीएम साहब द्वारा लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में क्यों नहीं लाई जा रही? सवाल बहुत है, लेकिन सवालों के जवाब नीचे से लेकर उच्च अधिकारियों तक नहीं। अगर हम ये कहें कि सोहना का हाल अंधेरे नगरी चौपट राजा वाला हो गया है तो शायद गलत नहीं होगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सोहना के विधायक के पास वंदे भारत ट्रेन में सफर करने का टाइम तो खूब है और इस दौरान विधायक साहब की तबीयत भी ठीक रहती है, लेकिन सोहना की जनता की सुध लेने का समय नहीं है। यहाँ पर तैनात अधिकारियों की पाव बराहा हो रही है, जिनके पास ना तो मीडिया के सवालों का जवाब है और ना ही इलाका वासियों की समस्या का। अब ऐसे में फिर सवाल यही उठता है कि बेहाल सोहना वासियों की बदतर हालत पर प्रदेश मुख्यमंत्री किस तरह का संज्ञान लेते हैं, या फिर मुख्यमंत्री भी सिर्फ अवैध कॉलोनाइजरों के यहाँ अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में पहुंचकर सोहना वासियों को नजरअंदाज करते रहेंगे। हमने नगर परिषद के अधिकारियों की ईओ एक्शन की मीटिंग बुलाई थी, तो एक तो दिवाली के उपलक्ष में शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के हमने आदेश दिए। दूसरा, जो स्ट्रीट लाइट्स है उनकी जितनी ज्यादा रिपेयर हो जाए, क्योंकि नई लाने के अभी टेंडर हुआ नहीं है, तो उनको रिपेयर के लिए हमने बोल दिया है। बाकी मेरी भी शहरवासियों से ये अपील है कि आतिशबाजी ना चलाएं, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल काफ़ी हाई है, और दिए से दिवाली मनाएं, भाईचारे से दिए से दिवाली मनाएं। सुरक्षा को लेकर किस तरीके का इंतजाम देंगे? सुरक्षा का हमने एसीपी से भी अभी मीटिंग हुई थी, तो जहां जो हमारे सेंसिटिव और क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जैसे चेक पॉइंट, वहां हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा पुलिस गश्त करा दी, क्योंकि इलेक्शन का समय है, इलेक्शन की भी आवाजाही रहेगी, इलेक्शन के दौरान भी थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत रहती है, तो हमने जो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था पावन पूरी तरह वो कर दी। यही संदेश है कि दिवाली दियों के साथ, भाईचारे के साथ और पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाए। आप जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जो प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले हरियाणा के जिला गुरुग्राम के खंड सोहना की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, गंदगी पसरी हुई है, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हुई है, दबंग जमकर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, सड़क टूटी पड़ी है, न्याय पाने के लिए लोग सड़कों पर उतर कर रोड जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर लोगों के वाहन दिन दहाड़े चोरी हो रहे हैं, बदमाश अपना खौफ फैलाए हुए हैं जो दिन दहाड़े सरेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब इसे जंगल राज नहीं कहें तो फिर क्या कहें, सरकार की उपलब्धि कहें? इन सभी समस्याओं को लेकर जब कोई आवाज उठता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है, विपक्ष के नेता भी सरकार के सामने पूरी तरह से बौने साबित हो रहे हैं। रोड पर बैठने का कारण सामाजिक व्यवस्था को लेकर है, जो ये मार पिटाई का मुकदमा जो है परसों दायर हुआ, इसमें कुछ गड़बड़ी जो है पुलिस प्रशासन ने की है, और कंप्लेंट शिकायतकर्ताओं के अनुसार जो है ये बात गलत है, और गलत के विरोध में हम यहाँ बैठे और बिल्कुल समाज का साथ है। गलत बात, हिंसा किसी भी लिहाज में किसी भी द्वारा बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल उत्तम न्याय व्यवस्था रहनी चाहिए, प्रशासन का दबाव इतना रहना चाहिए, हिंसात्मक घटनाओं पर जो है लगाम लगनी चाहिए, अपराधियों को, अपराधी किस्म के प्रवृत्तियों को, हिंसात्मक व्यक्तियों को इस बात का भय होना चाहिए कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह सक्षम है इस मामले से निपटने के लिए, इस विरोध के चक्कर में यहाँ बैठे। लेकिन सरकार सक्षम कहाँ है जब अधिकारी सरकार की बात नहीं मान रहे? तो कुछ त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों के बारे में ही जो है बैठने का जो है नौबत आई है,
और त्रुटियों को दूर किया जाएगा और जो है जो उचित व्यवस्था है उसको करेंगे। लेकिन देखना अब ये होगा कि सोहना के इस बिगड़ते हाल पर प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल की निगाहें पड़ती है या फिर सोहना के लोगों को यूं ही अपनी बदहाली पर आंसू बहाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह से अपने क्षेत्र से जुड़ी हर जरूरी खबर से खुद को अपडेट रखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल हरियाणा वरदान और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।